हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मैं आपको बताने वाला हूं टीम इंडिया की तैयारियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जहां टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया मैदान पर उतर आई है और टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि टीम इंडिया को काउंटी टीम के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेलना है। तो कैसी रही टीम इंडिया की तैयारी, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए काउंटी चैंपियनशिप 11 के खिलाफ अपने 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच से पहले जोरदार ट्रेनिंग की। बंदरबाजों के पीछे खेले जाने वाले प्रैक्टिस मैच के लिए टीम इंडिया डरहम पहुंची है। बीसीसीआई ने टीम के प्रैक्टिस सेशन की एक तस्वीर और वीडियो शेयर किया। वॉरविक शायर के कप्तान विल रोड्स 14 सदस्य टीम का नेतृत्व करेंगे। इस टीम में हाल ही में टेस्ट डेब्यू करने वाले जेम्स ब्रेसी और नॉटिंघम शायर के सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद भी शामिल हैं, जिन्होंने 2016 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। ईसीबी के एक अधिकारी ने बयान में कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धता पर प्रथम श्रेणी के काउंटी टीमों के साथ परामर्श के बाद टीम का चयन किया गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट के खिलाफ खुद को परखने के लिए काउंटी क्रिकेट के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया है। मैच खेलने के लिए मंजूरी मिलने से पहले इन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। टीम इंडिया अपनी तैयारियों के लिए एमिरेट्स रिवरसाइड को घरेलू स्थल के रूप में उपयोग करेगी। काउंटी सेलेक्ट के खिलाफ 3 दिवसीय मैच 20 जुलाई को शुरू होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कप्तान कोहली ने कहा था कि उनकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले फर्स्ट क्लास मैच खेलना चाहती थी, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा था, ये हम पर निर्भर नहीं है, हम साफ तौर से फर्स्ट क्लास मैच खेलना चाहते थे जो हमें नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि पहले टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए हमारी तैयारी का समय पर्याप्त होगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया अब असेंबल हो चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी छुट्टियों में चले गए थे, जिसके बाद ये खबर आई कि ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि अब टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच खेलना है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से होगी। भारत और इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बेशक भारत की हार हो गई हो, लेकिन भारत जिस तरह से तैयारियां कर रहा है और जिस तरीके से टीम इंडिया में जोश नजर आ रहा है, उससे साफ है कि इस बार भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।